11 मोटरसाइकिल संग अंतर्राज्यीय वाहन लुटेरे गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच व करेली पुलिस ने मिलकर अंतर्राज्यीय वाहन लुटेरे गैंग का किया पर्दाफाश। प्रयागराज एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी के निर्देश में जनपद में अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने व वाहन चोरी करने वाले वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक क्राइम आशुतोष मिश्रा, पुलिस अधीक्षक नगर दिनेश कुमार सिंह, सीओ सिटी सत्येंद्र प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में करेली पुलिस एवं क्राइम ब्रांच की टीम ने अंतर्राज्यीय वाहन लुटेरे गैंग का पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच टीम के प्रभारी संजय कुमार सिंह व थाना प्रभारी करेली ब्रिजेश सिंह करेली थाना क्षेत्र के करामात की चौकी के पास अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग दामूपुर सड़क के पास गाड़ी खरीदने व बेचने का काम कर रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करके दो लोगों को पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति के पास से गाड़ी का पेपर मांगा गया तो आनाकानी करने लगे। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों व्यक्ति ने बताया कि गाड़ी चोरी की है, यहाँ हम लोग बेचने के लिए आए हुए थे, तभी पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़े गए दोनों शातिर चोर के पास से उनकी निशानदेही पर कुल 11 बाइक बरामद की गई। पकड़े गए व्यक्ति में शुभम सिंह पुत्र डॉक्टर विजेंद्र सिंह निवासी हथेड़ा हालिया लालगंज मिर्जापुर जो एलएलबी का छात्र है, दूसरा सत्यम पांडे पुत्र कृपा शंकर निवासी रतेह चौराहा थाना हालिया जनपद मिर्जापुर के रहने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक क्राइम आशुतोष मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को जानकारी दी। आइए सुनाते हैं रोहित शर्मा की इस खास रिपोर्ट में। पड़े गए हैं और किस तरह से पूरा ये शुभम और सत्यम नाम के दो लड़के हैं जो इनका पूरा ग्रुप है और ये गाड़ियां टू व्हीलर्स उठाते थे, जिसमें हमारी टीम के प्रभारी जो सर्विलांस देख रहे हैं संजय सिंह और शैलेश जो सिटी में देख रहे हैं और ब्रिजेश जो हमारे करेली के इंचार्ज हैं, ये पहले सर्विलांस में भी रह चुके हैं, क्राइम ब्रांच में रहे हैं और इन लोगों ने सबने मिल करके एक, चूँकि हमारे डीआईए सर ने एक अभियान चला रखा था इस समय जो ऑटो लिफ्टिंग का काम हो रहा था फोर व्हीलर टू व्हीलर, तो इस पर काम चल रहा था, तो ये सारी टीमें लग करके अपना मंत्रणा कर ही रही थी कि कैसे क्या किया जाए, कौन आदमी अपराध कर रहा है। उसी बीच में इन लोगों को सूचना मिली तो करेली क्षेत्र में ही इन लोगों ने इन लोगों को देखा और कि इस रोड पे इन लोगों की सूचनाएं मिल रही हैं, तो जाने पर ये दोनों लड़के पकड़े गए और इनसे ये 11 मोटरसाइकिलें बरामद हुई जिसमें दो स्कूटी हैं और एक बहुत बड़ी बरामदगी हुई है और इससे क्षेत्र की जनता को काफ़ी राहत मिलेगा और लोगों की मोटरसाइकिलें भी उनको मिलेंगी और काफ़ी रोक लगेगा इसमें। ये कहीं प्रैक्टिस करते थे हाईकोर्ट में बताया? नहीं, अभी पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि ये लॉ किया है और अभी प्रैक्टिस करने के उसमें था, दूसरा लड़का भी काम कर रहा है, तो ये सब पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, गलत संगति पढ़ करके और गलत रास्ते पर जा रहे थे और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह से जो भी अपराधी नए लड़के बन रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जाए। इनके साथ और कोई भी लोग हैं जो शामिल हैं इस तरह की घटना करने? हाँ, अभी हैं कुछ नाम जो हमारे अभी गोपनीय टीम के पास है और उन पर कार्रवाई हो रही है।